हेलो दोस्तों, मैं देव साहनी और आपका स्वागत है टेक्नो गुरुदेव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जब हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है, हम अपने यूट्यूब चैनल को एडसेंस से लिंक कर देते हैं, तो एडसेंस में हमको कई तरह की सेटिंग करनी पड़ती हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको वहां पर यूएस टैक्स फॉर्म भरना पड़ता है, उसके बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, उसके बाद एड्रेस वेरिफिकेशन, देन आपको वहां पर जो है पेमेंट मेथड ऐड करने का ऑप्शन आता है। तो आज जो हम बात करेंगे कि यूएस टैक्स फॉर्म तो हमने भर लिया, हम जो है आज आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपकी एज जो है 18 या 18+ होनी चाहिए, 18 या 18+ होनी चाहिए। उसके साथ ही आपको जो है इंडिया, जिस भी कंट्री में आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, रेजिडेंस मतलब निवासी होना चाहिए। साथ ही में आपके पास जो है गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे कि पैन कार्ड, वोटर आईडी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पासपोर्ट, आधार कार्ड नॉट वैलिड फॉर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इन एडसेंस। तो दोस्तों, आपको जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए आपका जो है ये सभी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं। आधार कार्ड जो है आपका अलाउ नहीं है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। और मैं आपको बता दूं कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें आपने जो भी एडसेंस में नेम एड्रेस डाला है वो सेम डॉक्यूमेंट से मैच करना चाहिए, वरना जो है आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाएगा और आपका जो है फिर से जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए आपको लाइव दिखाते हैं कि आप कैसे एडसेंस में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करेंगे और डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने एडसेंस में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे कर पाएंगे। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि अगर हम आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो जो हमारा यूट्यूब चैनल होता है एडसेंस उस पर ऐड दिखाना बंद कर देता है और हमारी जो है जो भी करेंट जो है पेमेंट रहेगी वो होल्ड भी हो जाएगी, वो हमारे अकाउंट में नहीं आ सकती। आप यहाँ पर देख सकते हैं योर पेमेंट आर करेंटली ऑन होल्ड, एक्शन इज रिक्वायर्ड टू रिलीज पेमेंट्स। तो आपको यहाँ पर दोस्तों एक एक्शन का बटन दिखाई देगा। बहुत लोगों के एडसेंस में ये एक्शन बटन काम नहीं करता है, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ, तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए एक्शन बटन को जो है हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो इस एडसेंस में जो है अभी एक बार भी जो है एडसेंस बटन पर क्लिक नहीं किया गया है, मतलब कोई भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रॉन्ग नहीं किया गया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वेरीफाई और आइडेंटिटी का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों वेरीफाई नाउ पर क्लिक करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले जो है और यहाँ पर पेमेंट्स में आने के बाद जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको जो है यहाँ पर मैनेज सेटिंग में जाकर सारे डिटेल्स को जो है अच्छे से चेक कर लेना है। आपका जो नेम है, एड्रेस है, वो सभी जो है आपको चेक कर लेना है, क्योंकि उसके बाद जो है आपको नेम चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर पेमेंट्स में आना है। पेमेंट्स में जो है अब वेरिफिकेशन चेक पर जो है आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का एक जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नीड अटेंशन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, टैग एक्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर वेरीफाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। सिंपली आप यहाँ पर भी क्लिक करके कर सकते हो, लेकिन मैंने जो है आपको यहाँ पेमेंट्स के जो है ऑप्शन में से लाकर जो है वेरीफाई करने का ऑप्शन बता रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर भी वही ऑप्शन है, दोनों वेरीफाई नाउ पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं आपका जो है एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। वैसे तो आपने अपना एड्रेस चेक कर लिया है तो आपको यहाँ पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है, वरना यहाँ पर भी क्लिक करके आप इसको ठीक कर सकते हैं जो भी चीजें हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड ए फोटो ऑफ योर वैलिड गवर्नमेंट इश्यूड फोटो आईडी। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ लोग करते क्या है कि एडसेंस तो किसी और के नेम पर बनाए रहते हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करते हैं वो किसी और का अपलोड कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है उन्हीं के डॉक्यूमेंट से करना चाहिए जिनके नेम पर एडसेंस है और जिनका बैंक अकाउंट इसमें लिंक होने वाला है, उन्हीं के डॉक्यूमेंट से जो है यहाँ पर आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है। और यहाँ पर आप नोट में देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली जो है यहाँ पर मेंशन किया गया कि द नेम ऑन द ID should exactly match the information that you have provided on this form. मतलब इस फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन आपने दिया है वो आपके डॉक्यूमेंट से मैच करना चाहिए, वरना आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट से आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, इस बात को आपको बहुत ही विशेष ध्यान देना है। जैसे कि इंडिया पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आई डी, ड्राइविंग लाइसेंस। कुछ लोग दोस्तों यहाँ पर करते क्या है कि वो जो है कोई भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट यूज कर देते हैं, जैसे कि अपने स्कूल का एडमिट कार्ड और अपने जो है आधार कार्ड को यहाँ पर यूज कर देते हैं। उनको लगता है कि आधार कार्ड से भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा ही मेंशन किया गया कि आधार कार्ड are not accepted. तो आधार कार्ड से आप जो एंट्री वेरिफिकेशन एडसेंस में नहीं कर सकते हैं, इसको लीगल नहीं मानता है एडसेंस। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक अपलोड का जो है बटन दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर करना क्या है कि आपका जो डॉक्यूमेंट का फ्रंट साइड रहता है उसको पूरी तरह से क्लीन कैप्चर करना है, अपने फोटो से, अपने फोन से जो है क्लीन उसका फोटो कैप्चर करना है और चारों कॉर्नर जो है उसका फोटो में आना चाहिए। कोई भी कॉर्नर कटा रहेगा तो ये जो है वहां पर आपका डिसलेक्ट कर देगा। तो चलिए हम जो है यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर अपलोड बटन पे क्लिक करते ही आपके जो है पीसी का जो कंप्यूटर का या जो स्मार्टफोन का जो है एक फाइल जो है पेज ओपन हो जाएगा। अब आप जहाँ पर भी अपना डॉक्यूमेंट्स रखे हैं वहाँ पर आपको चले जाना है और उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर पैन कार्ड से जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। पैन कार्ड बहुत ही सुपीरियर होता है, बहुत ही जल्दी फास्टली जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाता है इससे एडसेंस में, तो पैन कार्ड यूज करना चाहिए। उसके बाद जो है ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या जो है आपके पास जो है एक और डॉक्यूमेंट यूज होता है वोटर आईडी, वो यूज कर सकते हैं। तो चलिए पैन कार्ड को यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि ये फाइल जो यहाँ पर आ चुकी है। अब आपको इस विंडोज को जो है थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ क्योंकि ये जो नीचे ऑप्शन दिखता है तो यहाँ पर सबमिट का एक बटन दिख रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से जो है ऑप्शन आ जाएगा वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, मतलब हमारा जो है वेरिफिकेशन प्रोग्रेस में जा चुका है और सारी इन्फॉर्मेशन मैच करेगी तो हमारा जो है एडसेंस का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बहुत ही जल्द फास्टली हो जाएगा और हमको एक ईमेल भी मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस प्लीज few days for verification। तो हमारा आइडेंटी वेरिफिकेशन जो है हमने कर दिया है पैन कार्ड से, हमारी सारी इंफॉर्मेशन जो है पैन कार्ड से मैच करेगी तो यहाँ पर आइडेंटी वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारे वीडियो पर एडवर्टाइज फिर से जो है शो करने लगेगा एडसेंस और हमारी पेमेंट जो होल्ड रहेगी वो भी हमारे अकाउंट में जो है ट्रांसफर हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा होगा। अब आप इस वीडियो की मदद से अपने एडसेंस में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हैं और उसके बाद जो है आपका पिन वेरिफिकेशन लेटर आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा। मैंने आपको काफी स्टेप बाय स्टेप बताने की अच्छे से कोशिश की है, तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक टेक्नो गुरुदेव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटा दबाइए, ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिले।